अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ पूरी बनाना। तो पूरी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ ना। मैदा चाहिए आपको 1 कप, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक तिल जो होते हैं ना, काले तिल, वह है काले तिल डाल देते हैं हम इसके अंदर। सॉल्ट डाल देते हैं, इसको पानी, और आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल चला गया, मिक्स करें। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ये ज़रा ना नरम होता है ना पूरी, आटे से ज़रा सा हार्ड होता है, जो हम घर में चपाती बनाते हैं रोटी बनाते हैं उससे ज़रा हार्ड है आटा इसका ना होगा, भुनेगा। पानी आप ठहर ठहर कर डालिएगा, ज़्यादा पानी डाल देंगी तो फिर उसमें और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इस वजह से पानी को ज़रा सा ठहर ठहर के ही डालिएगा। बाद में इसको इतना करने के बाद हम इसको इस तरीके से करते जाएँ, क्योंकि अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हो गया है, ज़रा सी देर ऐसे करेंगे तो इसे हो जाएगा। इसको मैं 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आटा 15 मिनट रखने के बाद। जी हमारा डो देखें ये रेडी हो गया ना, मैं 5 मिनट रखा, ये इतना नरम होना चाहिए, ये देखें। आप ऑयल भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसे डीप फ्राई होनी है तो इस वजह से मैंने ऑयल नहीं लगाया। छोटी सी बॉल बनाएंगे, पानी मैं टच करके निकाल रही हूँ ताकि आटा चिपके नहीं। तो रोलिंग पिन से हम रोल करते जाएंगे, ये 1 कप में आपकी 5 पूरियां तैयार हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने साइज की, ज्यादा बड़े तो नहीं मगर मीडियम साइज की जो है वो तैयार हो जाएंगे। अब दूसरी भी हम ऐसे कर लेते हैं, इसको साइड में मैंने रख दिया है जब तक मैं अपनी दूसरी, क्योंकि आप 4-5 इकट्ठी करके फिर फ्राई कर दीजिएगा ताकि जल्दी हो जाए, इसको ज़्यादा देर तो चूल्हे पे पकाना नहीं है। मैं 2-3 कर लूँ फिर आपको दिखाऊंगी। जी देखिए मैंने 4 पूरियाँ कर ली हैं, 4 पूरियाँ हो गई हैं, अब इसे ऑयल में डालती हूँ। तो हल्के हल्के हाथ से आपने नीचे दबाना है, नीचे दबाने से ये होगा कि आपकी पूरी जो है वो फूलेगी ना। सबके हाथ से नीचे दबाना है,
सा कलर दे देते हैं, गोल्डन कलर नीचे। आप बेल के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो जल्दी जल्दी होती जाएंगे। हाँ जी देखें, हमारी पूरियाँ रेडी हो गई हैं, और ये इसको भी किसी भी ग्रेवी के साथ, सालन के साथ, सब्जी के साथ दीजिएगा, बहुत मज़े की लगेंगी। मैंने अच्छा, अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो देखें ऐसी होगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी, नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगी, और अगर आप कम फ्राई करेंगे तो ये देखें ऐसी वाइट वाइट बनेंगी। तो इसको इन्जॉय कीजिएगा प्लीज़, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दुआओं में याद रखें। थैंक यू।